अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए आज कुछ मुख्तसर जिक्र करते हैं हिंदुस्तानी सहाबाए कराम का। वैसे तो सरजमीन हिंद शुरू ही से अंबिया और रसूलों की आमद यहाँ रही है। जैसा कि बाज़ रिवायात से हमें ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन हिंद पर उतरे थे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम सरजमीन मक्का में उतरे थे, फिर बैतुल्ला की तामीर के बाद सरजमीन हिंद की तरफ तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल सरजमीन हिंद को अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कदम बोसी का शर्फ हासिल है, और उसके बाद भी कई अंबिया कराम यहाँ पर आते रहे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, लोगों ने वक्त के साथ साथ बुत परस्ती को अपना लिया और उसी को दीन समझने लग गए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर बुतों की पूजा होती है, या और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, कोई बुद्ध मत में है, कोई जैनिज़्म में है, कोई हिंदुइज़्म में है। अच्छा, इसी तरह तारीख़ इस्लाम जो है, सहाबा कराम का जो दौर है, इसके बारे में भी हमें कुछ मालूमात मिलती हैं। उनमें से चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बेअसत के इब्तदाई मराहिल ही में इस्लाम अहले हिंद तक पहुँच चुका था। जैसा कि बाज़ तारीख़ी रिवायात से हमें मालूम होता है कि हिंदुस्तान के शहर कनौज का बादशाह सरबांक मौजज़ा शक्कुल कमर को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल किया। आप में से वो लोग जो हिंदुस्तान से इंडिया से वाकिफ़ हैं, वो ये भी जानते होंगे कि ये कनौज कहाँ है। जो नहीं जानते, उनकी मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इंडिया में उत्तर प्रदेश में कन्नौज वाक़ है, और आज भी अगर आप इसको सर्च करें तो आपको कन्नौज डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ की बात हो रही है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में। अच्छा, इसी तरह बाज़ रिवायात में एक और हिंदी सहाबी बाबा रतन हिंदी की मुलाकात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से चंद अहादीस की रिवायात भी हमें मिलती हैं। आज भी बाबा रतन हिंदी का मज़ार मशरक़ी पंजाब के शहर भंडा में मौजूद है। इसी तरह एक हिंदुस्तानी बादशाह का और जिक्र मिलता है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे भेजे। अब उस ज़माने में कम्युनिकेशन एज तो इस तरह की नहीं थी जैसे कि आज है, तो जब ख़बर मिलती थी तो उस ज़माने में फिर चीज़ें होती थी। तो अब इसी तरह इसे जब ख़बर मिली तो इसने भी तोहफ़ों का अहतमाम किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तोहफ़े भेजे। तो हाकिम निशापुरी ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में इस वाक़े का जिक्र किया है। अच्छा, इसी तरह अहले सरंदीप ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में एक अक़लमंद ज़ी शऊर और ज़कीउल फ़ितरत शख्स को तालीमात नबविया के मुशाहिदे के लिए अरब ताजरों के साथ रवाना किया था। अच्छा, आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये सरंदीप जो है, ये साउथ में, ये श्रीलंका के करीब एक जजीरा है, और इसके मुताल्लिक बाज़ चीज़ें हमें ये भी पता चलती हैं कि तारीख़ शाहिद है कि अरब ममालिक के ताजर जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में तिजारत की गर्ज से अक्सर व बेशतर ये बहरे हिंद से गुजरा करते थे। इस्लाम की आमद से कबल भी कुछ अरब ताजर ये माल वगैरह लेके श्रीलंका के करीब सरंदीप और मालदीप वगैरह के जजीरों में ये आबाद हो चुके थे। इस्लाम की आमद के बाद अरब ताजरों के काफ़ी काफ़िले इस सिमत आते थे, और यूं एक तिजारती मामला इस्टेब्लिश हो गया था, और फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की आमद शुरू हुई। पहले तो सिर्फ आम अरब आते थे जो भी उनका दीन था, फिर मुसलमान अरब भी आने शुरू हुए, तो उनके आला अखलाक और किरदार बाकी अरबों से मुख्तलिफ थे। उनके बिजनेस डीलिंग और उनकी दयानतदारी और अखलाक, ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ के लोग भी मुतासर हुए, और फिर इनकी बदौलत जो है यहाँ पर लोगों के दिलों में इस्लाम ने घर करना शुरू कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि 8वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई सालों में कुछ अरब ताजर जो तिजारत के लिए श्रीलंका गए थे, इनमें से कुछ वफात पा गए, तो श्रीलंका के हुक्मरान ने अरबों से उम्दा ताल्लुकात के पेश नज़र इन ताजरों के अहले खाना को एक बहरी जहाज़ में बेश बहा तहाइफ के साथ वापस अरबिस्तान की तरफ रवाना किया। तो उसकी भी फिर और तफसीलात आती हैं। बहरहाल कहने का मकसद है कि इस तरह के ट्रेड राउट्स तो इस्टेब्लिश थे, जिसको मैं आपके साथ हिंदुस्तान
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की, उसके अंदर मैंने बहुत सारे दुरूस आपको दिए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो फिर उसकी तरफ दोबारा जाऊंगा, कुछ और हालात आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहरहाल ये हमें मिलती हैं कुछ चीज़ें के सरंदीप ने भी, अहले सरंदीप ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इन तालीमात नबविया के मुशाहदे के लिए अरब ताजरों के साथ एक शख्स को रवाना किया। लेकिन जब वो शख्स मदीना पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार फ़ानी से दार बाकी की तरफ रहलत फरमा चुके थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रहलत फरमा चुके थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हो चुके थे। इस शख्स ने अपने वतन लौटकर तालीमात इस्लामिया की बहुत तारीफ़ की। अहले सरंदीप इससे बहुत मुतासर हुए। इसकी बरकतें हैं जो आज मालदीप ममलिकत इस्लामिया की सूरत में आबाद है। इस तरह जंग यमामा के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहु के हिस्से में आने वाली एक खातून जो खौला सिंधिया हनफिया थी, तो ये भी जो है इनका ताल्लुक भी सिंध से बताया जाता है। बहरहाल अव्वल दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आसपास के मामलात में हमें ये चंद कुछ इशारे मिलते हैं तारीख़ में। मैं समझता हूँ कि इसमें और लोग भी होंगे क्योंकि तारीख एक एक आदमी को तो रिकॉर्ड नहीं करती। अच्छा, फिर वो लोग जो सिंध से, बलूचिस्तान से और इसी तरह इंडिया के और दूसरे इलाक़ों से अरब में आकर आबाद हो गए थे क्योंकि वो ईरान से अच्छे ताल्लुकात थे, तो ईरानी फ़ौज के थ्रू वो अरब के इलाक़ों में आ गए। अच्छा, कुछ कबाइल जो है वो नॉर्दर्न अरेबिया में आबाद थे, जिनके बारे में मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ज़माने के हिंदुस्तान की सीरीज़ में उन कौमों के बारे में बड़ी तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर वहाँ से ऊँटों की जो नस्लें निकली, अच्छा फिर उनके मुख्तलिफ काम थे, फिर वो कुछ यमन में भी आबाद थे और बड़ी तादाद में सिंधी लोग यमन में आबाद थे। तो जब यमन में इस्लाम फैला तो उनमें भी बहुत सारे लोग ताबईन तो हुए ही हुए, ताबईन तो कसरत से हैं, उसका फिर मैं आपको अगले दर्स में जिक्र करूंगा। अच्छा, फिर हिंदुस्तान में सहाबा कराम की आमद हुई, तो सहाबा कराम जो है वो हिंदुस्तान आए तो फिर उसके मुतालिक चंद एक बातें आपसे शेयर करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।